डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रकार, यानी कि मीनिंग, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यह पार्ट फर्स्ट है। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित पाठ्यक्रम से रिलेटेड एंड और अन्य एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियो बनाए जाएंगे, जो पार्ट सेकंड थर्ड भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता और ऐसे कौन कौन से महानुभाव हैं जो अपने विचार व्यक्त किए हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति, और कौन कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, कैसे कहेंगे कि हम व्यक्तिगत विभिन्नता यही है। तो आप लोगों के डिमांड पर यह वीडियो लाया गया है, इसको ध्यानपूर्वक और पूरा वीडियो देखिए, और यदि पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यदि नहीं किए हैं तो, साथ ही बेल आइकन दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जिससे उपयुक्त जानकारी उन तक भी पहुंच सके। तो आइए जानते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि 19वीं शताब्दी में फ्रांसिस एक गॉल्टन महोदय हैं और पियर्सन, टर्मन आदि ने व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया, यानी कि शुरुआत में जो व्यक्तिगत विभिन्नता नामक शब्द है या दूसरों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, शुरुआत में एक गॉल्टन महोदय हैं, इन्होंने पता लगाया तथा इनके कारण को जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता है और किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। इन मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से समान नहीं होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि हम उम्र है, वो समान नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसमें अंतर जरूर होंगे। यहाँ तक कि जुड़वां बच्चों में भी असमानताएं पाई जाती हैं, यानी कि अगर दो बच्चे एक साथ एक ही समय पर जन्मे हों, उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नताएं या असमानताएं पाई जाएंगी, चाहे वो मानसिक रूप से मिल जाएं, चाहे वो शारीरिक रूप से मिल जाएं, या विभिन्न प्रकार के उनके नेचर या व्यवहार में मिल जाएं। इस दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता प्रकृति एवं वातावरण द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। एक प्रकार का गुण भी कह सकते हैं हम कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत होता है। इनके अलावा जेम्स ड्रेवर, टायलर, कैटल, स्किनर आदि के द्वारा भी इसमें योगदान दिया गया, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इनके बारे में इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए, इन्होंने बताया, जो आगे जानेंगे। अगर देखा जाए तो सामान्यतः एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न या अलग होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी कि दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों में कुछ ना कुछ अलग अलग विभिन्नताएं हैं, समान ना होने के कारण इसीलिए हम उनको व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। या जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, जैसे विभिन्न समानताएं का मतलब है, मान लीजिए कि वो एक ही हम उम्र के हैं, दोनों 10-10 साल के हैं, उम्र एक समान है, एक ही समय में जन्म लिए हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही वातावरण में पले बढ़े हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनके किसी न किसी गुण में अंतर पाया जाए, व्यवहार में अंतर पाया जाए, तो इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, जो हमारी मेंटल जो कॉग्निशन है, कितना व्यक्ति उच्च बुद्धि वाला, निम्न बुद्धि वाला, मध्यम बुद्धि वाला, इसके अलावा कल्चरल, इसके अलावा जो इमोशनल होता है, इस तरीके से भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, यानी कि क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना।
आइए अब हम जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन कौन से ऐसे महानुभाव हैं, कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। जिनमें सबसे पहला है एक टायलर महोदय हैं, जो कहते हैं कि शरीर के आकार और स्वरूप शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्ति के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है, इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी कि जो शरीर का आकार होता है उसे भी हम माप सकते हैं, स्वरूप क्या है, उसकी गति क्या होती है, क्षमता क्या होती है, उसके लिए भी बुद्धि क्या होती है, इन सब का भी आकलन आजकल होता है। किसी की जो एप्टीट्यूड है कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, उसके अंदर किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी का मापन हो चुका है, इनका मानना है। और विभिन्न प्रकार के ये जितने भी गुण हैं, जितने भी एक व्यक्ति में पाए जाने वाले आस्पेक्ट हैं, आयाम हैं, एक तत्व हैं, जो उनके व्यवहार में परिवर्तन और उनके परिस्थिति में समायोजन के अलग अलग तरीकों को दर्शाते हैं, तो ये भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। और इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता यही है। एक महोदय है गुड़, गुड़ यानी कि खाने वाला नहीं, क्योंकि बहुत सारे मजाकिया स्टूडेंट्स होते हैं, कहेंगे कि सर गुड़ बोले हैं तो चीनी भी बोल देते। तो यहाँ पर गुड़ एक मनोवैज्ञानिक है, जो जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाया जाने वाला अंतर वैयक्तिक विभिन्नता कहलाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे विशेषताएं पाई जाती हैं किसी न किसी व्यक्ति में, जैसे हो सकता है कोई सामाजिक व्यक्ति हो, कुछ व्यक्ति होते हैं अपने आप में खोए रहते हैं। अगर हम मदर टेरेसा का नाम लें तो अपने आप में एक विशेषता है उनकी, जो समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। विभिन्न प्रकार की अलग अलग गुण, अलग अलग विशेषताएं हर व्यक्ति में पाई जाती हैं, और जिसके कारण हम कहते हैं कि ये दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट है एक स्किनर महोदय हैं, उनका कहना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, हमारा व्यवहार, हमारा जो शारीरिक विकास, हमारा मानसिक, हमारा व्यवहार, ये सारी चीजें हमारे जो व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आता है। और कोई भी ऐसा पहलू जो एक दूसरे से डिफरेंस हो, मापा जा सके, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। एक महोदय है जेम्स ड्रेवर, ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। जैसे कि जब भी व्यक्ति होता है तो किसी न किसी समूह से रिलेट करता है, और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बहुत सारे गुणों में एक जो एवरेज होता है, इसके अलावा जो डिफरेंसेस रखता है उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो ये हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं थी। आइए अब हम जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जिसमें पहला है शारीरिक विभिन्नता, यानी कि फिजिकल डिफरेंसेस। शारीरिक रूप से व्यक्तियों में भी विभिन्न प्रकार के विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे रंग, रूप, भार, कद, यानी कि छोटा बड़ा, शारीरिक बनावट, शारीरिक परिपक्वता, जो हमारा फिजिकल मैच्योरिटी है, इसके अलावा हमारी जो चौड़ाई होती है। ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं जिनमें डिफरेंट शारीरिक रूप से डिफरेंसेस देखने में आ रहे हैं। ये देखिए, इमेज तीनों अलग है, एक पतला है, फिर उससे थोड़ा मोटा है, इसके बाद उससे मोटा है, इनमें भी डिफरेंसेस है। ये देखिए, ये एक महान डिफरेंसेस है फिजिकल डिफरेंसेस के अंतर्गत। ये देखिए, एक अपने आप में पर्सनालिटी है जो एक डिफरेंसेस को शो करती है, ये अपने आप में शो करती है पर्सनालिटी को। तो ये हमारा फिजिकल डिफरेंसेस है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जो डिफरेंसेस इस तरीके की पाई जाती हैं तो उसे हम फिजिकल डिफरेंसेस कहते हैं। जो रंग, रूप, भार, कद, शारीरिक बनावट, इनके अलावा
जो भी चीजें हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मानसिक विभिन्नता यानी कि मेंटल डिफरेंसेस। मानसिक रूप से भी व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे प्रतिभाशाली बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले, या उच्च चिंतन वाले या मंद बुद्धि वाले, ऐसे बहुत सारे बालक पाए जाते हैं। ये देखिए, अब इनको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है पर्सन को कि ज्यादातर हम लोग कहते हैं अगर कोई बहुत अच्छा स्मार्ट लग रहा है चश्मा तो हम बोलते हैं वाह बहुत ही बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। अगर कम्युनिकेशन बेहतर कर लिया अच्छे से तो कहते हैं वाह ये तो प्रखर बुद्धि वाला है। देखिए ये एक सिंपल मैन है, ये ज्यादा टाई वाई लगा के नहीं है, चश्मा नहीं लगाए हैं, फिर भी इनमें भी चिंतन होगा किसी न किसी तरीके का, बहुत ही सिंपल है। हो सकता है कि सामान्य बुद्धि वाले हों, हो सकता है कि आजकल तो आंकना भी बड़ा मुश्किल है, जब तक आप असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चल सकता कि डिफरेंसेस क्या है। ये देखिए ये अपने आप में पर्सनालिटी है, हो सकता है कि ये मंद बुद्धि वाले हों क्योंकि ज्यादातर हम लोग आजकल देख करके पता लगा लेते हैं। हो सकता है ये उच्च चिंतन वाले हों, बैठ करके चिंतन कर रही हों, तो इस तरीके के डिफरेंसेस भी व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंसेस है वो विशिष्ट योग्यता विभिन्नता यानी कि कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी के कारण भी हम डिफरेंसेस का पता लगाते हैं, जिनमें कुछ कलाकार, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे गायक आदि हो सकते हैं। जैसे कि देखिए ये अपने आप में एक विशिष्ट योग्यता रखते हैं जो हर व्यक्ति क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो ये अपनी स्पेसिफिक एबिलिटी है। देखिए ये अपना एक कलाकार हैं जो अपना रोल अदा करते हैं किसी न किसी फिल्म में, किसी न किसी सीरियल में, किसी न किसी कई तरीके से। देखिए ये बच्चे हैं अपना विभिन्न प्रकार के आजकल जो टीवी शो आते हैं वो भी जो करते हैं, ये सब क्या है, कलाकार हैं, ये किसी न किसी प्रारूप को दर्शाते हैं, किसी न किसी नेचर को प्रकट करते हैं। ये देखिए गायक हैं, ये देखिए चंदन दास हैं जो अपने आप में गजल गाते हैं, तो अलग अलग गायक भी होते हैं, ये स्वर कोकिला हैं। तो इस तरीके के भी स्पेसिफिक जो एबिलिटी होती है उनके कारण भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंसेस है वो सामाजिक विभिन्नता यानी कि सोशल डिफरेंसेस, यानी कि सामाजिक रूप से भी विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं दिखती हैं। आइए देखते हैं, हम समाज में कुछ व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बहुत सारे जो समाज के नियम होते हैं, लेकिन बहुत सारे समाज होते हैं, बहुत सारे वर्ग होते हैं जिनके नियम अलग अलग होते हैं, तो कुछ सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जो कर्मकांड वगैरह होते हैं, जो भी रीति रिवाज, जो धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ लोग उनको मानना पसंद करते हैं, कुछ नहीं। इन कारणों से भी सामाजिक विभिन्नता परखी जा सकती है। कुछ व्यक्ति संकोची, बहादुर, शर्माने वाले, सामाजिक जिम्मेदारियां आदि में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ तो इतने संकोची होते हैं कि चाहे वो कुछ भी हो जाए अपने आप में ही मस्त रहते हैं, और कुछ व्यक्ति बहुत शर्माते हैं, अपनी बात को नहीं रख सकते। तो सामाजिक रूप से ये अपने आप में एक बहुत ही दुखी पर्सन है, दुखी कह सकते हैं, या उनका एक ऐसा गुण है जो एक विभिन्नता को दर्शाता है। जबकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, कोई भी अपनी बात को किसी के सामने तुरंत रख देते हैं, बोल देते हैं, तो इस प्रकार से भी विभिन्नता समाज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सांवेगिक विभिन्नता यानी कि जो इमोशनल डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत कुछ क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ हसमुख एवं उदार होते हैं, तो कुछ समाज के लिए अपना जो जीवन न्यौछावर कर देते हैं, तो वो अपना एक अलग ही इमोशन है समाज के प्रति। तो इस तरीके के विभिन्न प्रकार के सांवेगिक विभिन्नताएं हैं। ये देखिए अपने आप में कितना क्रोधी व्यक्ति है, तो इनका इमोशनल एकदम हाई है। अब ये देखिए बाल गोपाल एकदम बेहतर मुस्कुरा रहे, स्माइल, ये अपने आप में है। कुछ इस तरह के भी होते हैं यंगर्स में भी, यंगेस्ट जो लाइफ है जो व्यक्तियों की, उनमें भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा हंसमुख रहते हैं। देखिए मदर टेरेसा हैं, जो इनका इमोशन जो सोसाइटी के प्रति, बच्चों के प्रति अपना एक अलग ही नजरिया है जो इनका इमोशन दर्शाता है कि इन सबसे अलग है। नेक्स्ट है रुचि में विभिन्नता, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। देखिए किस तरीके से इंटरेस्ट होता है अलग अलग में। कुछ लोग खाने पीने में, पहनावे में, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं,
कुछ लोग संगीत में यानी कि म्यूजिक, कुछ लोग खेल में, विभिन्न प्रकार के खेल जो होते हैं, कुछ लोग तो घूमना पसंद करते हैं हवाई यात्रा में या विभिन्न प्रकार के प्लेस में। तो आइए हम देखते हैं, ये देखिए विभिन्न प्रकार के फूड खाने पीने में डिफरेंट आइटम है, डिफरेंट व्यक्ति को पसंद हो सकता है। सभी आइटम जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को पसंद हो। ये समान थाली भोजन होता है, ये भी हर व्यक्ति को जरूरी नहीं। कुछ लोग हमेशा डोसा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग हमेशा समोसा खाना पसंद करते हैं। तो ये अपने आप में वो है, किसी किसी को पसंद ही नहीं आता। अब ये कभी कभी वातावरण और उसके आधार पर भी होता है। जो हम जैसे हम भारतीय लोग हैं ज्यादातर कि इस तरीके के सिंपल भोजन, और हालांकि आजकल तो हर तरीके का भोजन चलने लगा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देखिए पहनावे में भी विभिन्नता देखने को मिलता है, चाहे वो सलवार सूट हो चाहे वो साड़ी हो। तो इस तरीके के मेंस में देखिए कुछ लोग कोट पहनना पसंद करते हैं, अपना अपना रुचि है। कुछ लोग फॉर्मल ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। तो ये अपने आप में एक डिफरेंसेस है। इसके अलावा ये इंस्ट्रूमेंट देखिए, संगीत में लोग रुचि रखते हैं कि नहीं मैं ये बजाऊंगा, या मैं इस चीज का रुचि रखता हूँ किस क्षेत्र में। तो अपना अपना वो एक डिफरेंसेस है, हर व्यक्ति का एक जैसे नहीं हो सकता है। ये देखिए खेल में, जो खेलने में रुचि होती है, कौन सा खेल किसको पसंद है, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई बास्केटबॉल, कोई हॉकी। इसके अलावा भी जो आउटडोर इंडोर जितने भी गेम होते हैं अलग अलग लोग पसंद करते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस का पता चलता है। इसके अलावा जो घूमने फिरने में देखिए, कोई सफर करने में पसंद करता है, यात्रा करने में, कोई घूमने चाहता है कि अलग अलग प्लेसेस में जाए। तो ये भी अपने आप में डिफरेंसेस है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया मेरा तो घर ही ठीक है, सबसे बढ़िया है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नता, यानी कि जो पर्सनालिटी डिफरेंसेस है, इसके अंतर्गत भी कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और साधारण व्यक्ति वाले होते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाले व्यक्ति भी मिलते हैं। जिनमें देखिए जो जहां पर इंट्रोवर्ट लिखा हुआ है, उसका जो गोला है उसके अंदर ही इर्द गिर्द जो भी एक पार्ट है, जो आस्पेक्ट है, खुले हुए हैं, वो उसके अंदर है, गोले के अंदर, यानी कि अपने में ही वो मस्त रहता है। अंतर्मुखी प्रकार का है, सामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, अपने में ही खोया रहता है और किसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, तो उसको हम इंट्रोवर्ट व्यक्ति कहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट में देखिए जो लेफ्ट साइड में जो इमेज है वो दर्शाती है कि एक जो चक्र है उसके अंदर जितने भी एस्पेक्ट ओपन है सब उभरे हुए हैं, जब संकेत को शो करते हैं कि टोटल सोसाइटी से रिलेटेड है। ये बहिर्मुखी प्रकार का व्यक्ति है, टोटल सामाजिक है, जो समाज से मिलजुल कर समाज में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित रिलेट करके चलता है वो। इसके अलावा बहुत से साधारण व्यक्ति होते हैं जो अपना जीवन जीते हैं, जो कुछ लोग तो इन दोनों प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों होते हैं। तो अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता है। कुछ लोगों का व्यवहार समाज के प्रति बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो हर व्यक्ति से झगड़ा ही करते फिरते हैं, और कुछ व्यक्ति अपने घर में ही रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी की हेल्प करते हैं। सहायता करना, हेल्प करना, विश्वास, ये सारे अपने आप में एक पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी केवल शारीरिक रूप से बॉडी बिल्डर बना लेना नहीं है, ऑल ओवर जितना भी एक पर्सन का डेवलपमेंट या उसका जो एस्पेक्ट डिफरेंट होते हैं, गुण होते हैं, वो सारा पर्सनालिटी के अंतर्गत ही आता है। तो हर व्यक्ति में अलग अलग पाए जाते हैं और वही एक पर्सनालिटी डिफरेंसेस को शो करता है। नेक्स्ट है उपलब्धियों में विभिन्नता, यानी कि डिफरेंसेस इन अचीवमेंट्स। डिफरेंट प्रकार की उपलब्धियों में भी लोग विभिन्नता देखने को पाया जाता है। बालकों या छात्रों की उपलब्धियों में कई कारणों से विभिन्नता देखने को पाई जाती है। जो विद्यार्थी क्लास में होते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, उनमें एक ही उम्र, एक ही बुद्धि एवं एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां हमेशा समान नहीं रहती। वो पूरी तरीके से अलग होती हैं। एक ही उम्र में मान लीजिए कोई 6th क्लास में या 10th में बच्चा पढ़ रहा है, तो मान लीजिए जैसे 10th का अभी रिजल्ट आता है, तो कभी भी रिजल्ट देखिए एक समान नहीं आता। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फोर्थ आता है, या यूं कहें कि उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो एक न्यूमेरिकल अचीवमेंट है। लेकिन व्यवहारिक जो उपलब्धि है, जो मूल्य उपलब्धि है, वो अपने आप में एक अलग डिफरेंसेस है जो हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है।
कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के सहयोगी और कोलाबरेटिव होते हैं, जो कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं होते हैं। बहुत सारे की बुद्धि प्रखर होती है, एक ही बात को शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए जितने भी कंटेंट हैं तुरंत समझ लेते हैं, कुछ लोगों को 10 दिन समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। तो ये डिफरेंसेस है जो एक समान नहीं होता। किसी छात्र की शैक्षिक उपलब्धियां काफी अधिक होती हैं तो किसी छात्र की शैक्षिक उपलब्धियां काफी कम होती हैं। तो ये डिफरेंसेस हमें एजुकेशन में या अचीवमेंट्स में दिखता है। इसके अलावा यौन विभिन्नताएं जो सेक्स डिफरेंसेस है उसमें भी देखने को मिलता है। यौन विभिन्नताएं भी स्पष्ट रूप से व्यक्तियों के बीच देखने को मिलती हैं। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों के शारीरिक विकास से तीव्रता से होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। और ये भी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लड़कों का जो शरीर होता है, जो मस्कुलर होता है, पेशी एवं भारी होता है, लेकिन जबकि लड़कियों का शरीर कोमल मुलायम तथा समान उम्र के लड़कों की अपेक्षा हल्का होता है। लेकिन आजकल बहुत सारे देखने को मिलता है डिफरेंसेस कि बहुत सारे लड़के हैं जो एक हवा चल जाए तो उड़ जाएंगे, हालांकि उड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत पतले देखने को मिलते हैं, भारी होते ही नहीं हैं। अगर उनका वजन किया जाए तो 30, 35 या 40 तक ही होते हैं, 40 से 45 वजन ही होता है उनका, और उसी उम्र की लड़कियों का अधिक होता है। तो ऐसा नहीं है, डिफरेंसेस आजकल विभिन्न तरीके से भी पाया जाता है। बट ऐसा साइकोलॉजिस्ट का, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लड़कियां जो होती हैं वो काफी, उनका जो शरीर होता है काफी मुलायम का होता है कैटेगरी का, और जो लड़के होते हैं उनका भारीपन होता है। तो ये डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा लड़कियों की आवाज में मधुरता होती है जबकि लड़कों की आवाज में कर्कशता अधिक होती है, ये अधिक देखा गया है पहले, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन आजकल विभिन्न प्रकार की लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो हमेशा लड़ने को तैयार रहती हैं, या कर्कशता होती है, उनकी आवाज में मधुरता नहीं रहती है। तो वॉइस या केवल साउंड में अगर लगाते हैं तो भी विभिन्न प्रकार के अंतर देखे जाते हैं। तो लड़का और लड़की डिफरेंट दोनों में जो सेक्स डिफरेंसेस है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आंतरिक एवं बाह्य विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो बायोलॉजिकल एवं फिजिकल होती हैं। विभिन्न प्रकार के जो मेल में पाए जाते हैं इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं, जो इसके अलावा जो फीमेल में होते हैं वो अलग तरीके के पाए जाते हैं। तो ये भी एक डिफरेंसेस है जो देखा जाता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो आने वाला का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जिससे इस तरह की उपयुक्त जानकारी और उचित वीडियो उन तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच।